आईपीएल 2023 में मुनज्जम क्रिकेट बेटिंग रैकेट का पर्दा हुआ फाश। आरसीबी बमुकाबला चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट मैच के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के एसओटी राजेंद्र नगर जोन और मोइनाबाद पुलिस टीम क्रिकेट बेटिंग रैकेट की गैरकानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। मुसद्दिक इत्तला पर एसओटी राजेंद्र नगर जोन और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ने मुश्तरका तौर पर एएस फार्म हाउस सुरंगल गांव मोइनाबाद मंडल रंगारेड्डी ज़िले में आईपीएल में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी के निखात के लिए मुश्तरका ऑपरेशन किया और छापा मारा। तकरीबन 10:45 पर 17 तारीख 2023 को ये कार्रवाई की गई, जिसमें आईपीएल मैच में मुनज़म ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग रैकेट के यहां से 3 बुकेज को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से स्कोर पेपर, लाइन पेपर, सैमसंग गैलेक्सी टैब 7, 6 स्मार्टफोन और नेट कैश 4 लाख रुपये और बैंक में 12,10,054 रुपये भी बरामद किए गए हैं। जुमला इसकी मालियत 53 लाख रुपये बताई गई है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफ़सीलात पुलिस की ज़ुबानी। कल रात में एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा साइबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्र साहब हुकुम से स्पेशल ऑपरेशन टीम और लाइन आर्डर पुलिस राजेंद्र नगर जोन दोनों पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में मैलाड़देवरमपल्ली और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रेड करे। एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था क्रिकेट बैटिंग चल रहा है बोल के, वो क्रिकेट बैटिंग में शंकर बुकी है और एक तिरुपति नागराज मल्लारेड्डी बोल के 3 जने, ये जो 3 लोग हमारा कस्टडी में है मोइनाबाद केस में, जो इम्पोर्टेंट शंकर है उन मेन बुकी है, अभी एब्सकॉन्डिंग है और उसमें एक 5 लोग भी और एब्सकॉन्डिंग है उसमें, और मैलाड़देवरमपल्ली केस में एक रवितेजा भी एब्सकॉन्डिंग है मेन बुकी, उसमें सुरेश बोल के एक कुकटपल्ली के रहने वाले हैं, वो लोग मैलाड़देवरमपल्ली में एक लॉज को सेलेक्ट करे, वहाँ से बैटिंग चलाने के लिए कोशिश कर रहे, वो बैटिंग चला रहे थे वो लोग। इसमें अपने को मोइनाबाद की जो टीम रिकवरी करे 40 लाख रुपये रिकवरी करे और ये मैलाड़देवरमपल्ली केस में 6.5 लाख रुपये बरामद हुए, पूरा मिला के 46.5 लाख है और पूरा 8 मोबाइल्स है, लैपटॉप है। ये जो कल जो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का मैच चल रहे थे, ये मैच की बैटिंग चल रहे थे 10:30 के अंदर ये रेड करके ये गैंग पकड़ ले, हमारे एरिया में पकड़े, ये लोगों को अदालत में पेश हो जाएगा ये लोग। और आपके माध्यम से सबसे गुजारिश है जो क्रिकेट बैटिंग है, एक ये थोड़ा लोग फैशन बना लिए और इजी मनी कमाना बोले तो मेहनत करना, बगैर मेहनत यही ऐसा चीज़ों में इन्वॉल्व होके ये लोग रॉन्ग रूट्स में पैसे कमाने के लिए बुकिस करने जाके बैटिंग लगा लेके पैसे कहीं बाहर से लाते, ये लोग कभी भी ये पैसे अगर बैटिंग में पैसे नहीं आए फिर बाद में उसके लिए तड़प जाते और क्या करना, वो लोग थोड़ा ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते और साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व होते और सोशल सोसाइटी में जो भी इजी मनी कहाँ आता है, किसको मारने को भी पीछे नहीं जाते पैसे के लिए, उसका फैमिली पूरा थोड़ा लोग प्रॉपर्टी बेच के इसमें बैटिंग में लगाते, गाड़ियाँ बेच के, सोना बेच के बैटिंग में लगाते। सबसे गुजारिश है ये ऐसी चीज़ों में आप लोग कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना और ये जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स है पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन फ्रॉडिंग ये लोग जो करते हैं, फ़ोन में संपर्क में रहते हैं, नेट में संपर्क में रहते हैं, वैसा मासूम लोगों को टारगेट करा के और थोड़ा लोग उसमें शौकीन भी रहते हैं, वैसा सेगमेंट को सेलेक्ट करके ये लोग ऐसा चीटिंग कामा कर रहे, अभी वेरीफाई कर रहे हैं। ये गैंग के पीछे कुछ केसेस है, सही नाम बोले
पूरा रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के बाद जो भी एक दो तीन ऑफेंसेस की ज़्यादा अगर ऑफेंसेस आए सेम टाइप की, वो लोगों को पीडी एक्ट में रूल्स के हिसाब से जो लोग आते हैं वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट लागू करते हैं। कोई वेरीफाई कर रहे अभी तो फिलहाल कुछ सारी तरफ